हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लव गुरु एमके में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं बॉयफ्रेंड वशीकरण डॉट के, अपने प्रेमी को अपना गुलाम कैसे बनाएं। अगर आप भी अपने प्रेमी को अपने वश में करना चाहते हैं, आप अपने प्रेमी से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन आपका प्रेमी किसी दूसरी लड़की स्त्री के चक्कर में फंस चुका है, वह किसी और से प्रेम करने लगा है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, या कोई और वजह है जिसकी वजह से आप अपने प्रेमी को वश में करना चाहती हैं, तो फिर आज हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जानिएगा प्रेमी वशीकरण के टोटके। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल लव गुरु एमके को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आज के टॉपिक को आगे लेकर। दोस्तों, प्रेमी वशीकरण के टोटके इस वीडियो में जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, वे प्राचीन काल से चलते आ रहे टोटके हैं। इन टोटकों का इस्तेमाल पहले भी बहुत सी जगहों पर बहुत बार किया जा चुका है, जिसके इस्तेमाल से बहुत सी सफलताएं मिली हैं। दोस्तों, इसका इस्तेमाल जिस भी लड़की ने किया है, उसने अपने प्रेमी को वश में करने में पूरी कारगर तरीके से कामयाब हुए हैं। दोस्तों, प्रेमी वशीकरण के ये टोटके बहुत ही सफलदायक हैं। अगर आप भी अपने प्रेमी को वश में करना चाहती हैं, आपको लगता है कि आपका प्रेमी किसी दूसरी की स्त्री के चक्कर में फंस चुका है और आप उन्हें बेइंतहा प्यार करते हैं, आप उसे भूल भी नहीं सकते, आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी ये सभी गंदी आदतें छोड़ दें और सिर्फ आपसे प्रेम करे, सिर्फ आपके ही इशारों पर चले और सिर्फ आपका ही कहना वो माने, अगर आपका लगता है कि बातचीत के मसले से ये सब हल हो जाए, तो दोस्तों आप ये भी करके एक बार देख सकते हैं, अपने प्रेमी को बातचीत के मसले से मना सकते हैं, उसे अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई बात ना बने, तो आप फिर इस वशीकरण का सहारा ले सकते हैं और अपने प्रेमी को अपने इशारों पर चला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रेमी वशीकरण के ये टोटके। यदि आपको लगता है कि आपका प्रेमी आप में कम दिलचस्पी लेता है, तो किसी स्त्री का चक्कर है, उसकी ओर आकर्षित होता है, तो उस स्त्री को आपको सिर्फ एक छोटा सा टोटका करना होगा। अपने बॉयफ्रेंड के लिए आपने एक छोटा सा गिफ्ट लेना होगा, कोई भी अपनी हैसियत अनुसार। उसे एक दिन पहले अपने घर ले आएं और आपने उस पर एक हल्दी और एक सिंदूर का तिलक लगाना है और एक वशीकरण मंत्रा का जाप करना है 151 बार। ये वशीकरण मंत्र का जाप आपने शनिवार के दिन करना होगा रात को 10 बजे के बाद, क्योंकि ये 10 बजे के बाद ये मंत्रा सिद्ध हो जाती है और इसके द्वारा वशीकरण होना संभव है। ये वशीकरण मंत्रा इस प्रकार से है। ओम वशीकरणाय वशीभूताय चामुंडाय सर्वोदयाय कुरु कुरु स्वाहा। इस वशीकरण मंत्र का जाप आपने ध्यान से कार्य को सफलता के लिए ही करना है, गलत काम के लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। दोस्तों, जैसे ही जाप समाप्त कर दें, अपने प्रेमी को उसके बाद अपनी गिफ्ट दे देनी है। कुछ ही समय पश्चात आप देख पाएंगे अपने प्रेमी में असर, आपका प्रेमी आपकी हर एक बात मानना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, हमारे आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आगे भी बहुत सी ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा।